नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न हमारा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है, उस मैदान का विकर्ण तथा मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने कहा एक मैदान है जिसका आकार कैसा है, वर्ग के आकार का है। तो हमने एक वर्गाकार मैदान बना लिया। ठीक है, एक वर्गाकार मैदान हो गया जिसका क्षेत्रफल है 625 वर्ग मीटर। तो यहां हम लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 625 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने यहां पर जो दिया उसको लिख लिया। अब वर्ग का क्षेत्रफल या वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। तो हमने भुजा को ए मान लिया, तो यह हो गया ए का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर है 625 की जब करेंगे तो ये 25 गुणा 25 बराबर होता है 625। तो ए बराबर कितना निकल के आया? ए बराबर निकल के आ गया 25 मीटर। ठीक है, अब भुजा निकल आई, अब निकालना है उस मैदान का विकर्ण। तो वर्गाकार मैदान का विकर्ण, तो कैसे निकलता है विकर्ण? विकर्ण का सूत्र होता है ए रूट टू, यानी भुजा रूट टू, भुजा आई 25, तो 25 रूट टू मीटर। यह हो गया वर्गाकार मैदान का विकर्ण। अब निकालना है वर्गाकार मैदान का परिमाप। वर्गाकार मैदान का परिमाप, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 इंटू ए, यानी 4 इंटू भुजा। तो 4 गुणे भुजा कितनी आई? 25। 25 को 100, तो 100 मीटर हो जाएगा उसका परिमाप। ठीक है, तो उस मैदान का विकर्ण निकल गया है 25 रूट 2 मीटर, और उस मैदान का परिमाप निकल के आ गया 100 मीटर। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।